उत्तराखंड बॉर्डर पर पहुंचे एसपी, कांवड़ यात्रा को लेकर लिया तैयारियों का जायजा। बिजनौर पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने कांवड़ यात्रा को लेकर बिजनौर हरिद्वार बॉर्डर पर स्थित रपटे पर बरसात के पानी से बचाव और कांवड़ियों की सुविधाओं का जायजा ले संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसपी बिजनौर दिनेश सिंह और एसपी सिटी डॉक्टर परवीन रंजन सिंह ने हरिद्वार बिजनौर बॉर्डर पर स्थित रपटे पर बरसात के पानी से कांवरियों के बचाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और मंडावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोटा महादेव पुलिस चौकी और मोटा महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था, कांवड़ यात्रा और बरसात में बाढ़ से बचाव हेतु कानून व्यवस्था के मद्देनज़र पुलिस क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के साथ जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी बिजनौर दिनेश सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। देखिए जनसंवाद की यह रिपोर्ट। लग चुका है और क्या व्यवस्थाएं हैं कांवड़ की? कल से हमारी कांवड़ सावन माह की शुरुआत होने के साथ साथ हमारी कांवड़ यात्राएं शुरू होंगी। हमारी पूरी व्यवस्था और पूरी तैयारी हो चुकी है। रूट डायवर्जन के लिए हमारी अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय मतलब हमारी सीमावर्ती जो जनपद हैं उनके साथ और उत्तराखंड के साथ हमारी समन्वय कोशिश हो चुकी है और पूरी पॉलिसी जो डायवर्जन की है वो दिखाई दे चुकी है। 16 तारीख से रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। हमारा कंट्रोल रूम तैयार हो चुका है। डायवर्जन पॉइंट से 3 किलोमीटर पहले इंडिकेटर्स होंगे, दूसरा इंडिकेटर 1 किलोमीटर पहले होगा। हमारी पूरी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। ड्रोन से भी निगरानी होगी, सीसीटीवी कैमरा से भी निगरानी होगी और पूरी सारी ड्यूटी हमारी आपसी समन्वय के साथ तैयार हो चुकी है। हमारी क्यूआरटीज भी एक्टिव रहेंगी, हमारी एम्बुलेंसेज भी एक्टिव रहेंगी और हम अन्य विभागों के साथ भी समन्वय करके जो भी शिविरों पर व्यवस्था करनी है शिविर के व्यवस्थापकों से भी हमारी बातें हो रही हैं। और मैं कहूँगा कि हम कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अपने सकुशल इस कांवड़ यात्रा को सम्पन्न कराएँ। धन्यवाद।